कि कफ कोल्ड माइग्रेन अस्थमा उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे एक भैया बहुत बुरी तरह स्लिप हुए हैं और सर जा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। सो गाइस आपने लैम्प्स तो बहुत देखे होंगे बट सी दिस इज रियली यूनिक एंड ब्यूटीफुल द आउल लैम्प। 76,000 वाली मैं दिखाऊंगा, ये छोटी सी 76,000 की है। थैंक यू, आपने एक बार मेरे कहने पे आप मान गए। एक बार नहीं कहा तुमने, कई बार कहा है, बार बार कहा है, हर वक्त कहा है यार, जो कि मैं काम छोड़ के जो आया हूँ ना तुम्हारे लिए। मौसम ठीक होता है ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि काम छोड़ दो और फिर कहीं जाओ। यार कोई बात नहीं, कभी कभी बीवी का कहना मान लेना चाहिए। कभी कभार तुम मतलब मैं बोल रही हूँ जब एक बार कहने पे तो तुम हाँ भर दो ना। मतलब जबरदस्ती गजब बेइज्जती है। मैं कोई गलत नहीं बोलता भाई, जो है सच वो सच है। जबरदस्ती लेके आई है आज मुझे। 3-4 दिन से इतनी अच्छी बारिश हो रही थी तो आज अगर मैं बाहर ले आई तो मैंने कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया है? कूड़ेदान आ गया, बदबू। टीचर बाजार का मैं थोड़ा सा रास्ता आपको बता देता हूँ। अभी हम खड़े हैं 100 फुटे पे, लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो जाते हैं गुड़गांव की तरफ और राइट में हम निकल जाएंगे एम्स ग्रीन पार्क साउथ एक्स की तरफ। तो अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट और लेफ्ट में आपको बताते हैं आगे चल के कि कहाँ जाना है आपको। जो लोग भाई मेट्रो आ रहे हैं तो सबसे पास जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा छतरपुर मेट्रो स्टेशन नेचर बाजार में आने के लिए। अभी यहाँ पे एक भैया बहुत बुरी तरह स्लिप हुए हैं और सर जा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो गाइज ऐसे कभी कोई आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो या कोई चोट लग जाए तो जरूर उनकी हेल्प करें, है ना हार्दिक? दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ना। तो अभी भाई भैया को लगता है बहुत ज्यादा लग गई है। क्या हुआ, ज्यादा तो नहीं लगी? ना ना बच गया भाई, बच गए। मतलब अपना दिमाग दौड़ाना है, मैं कह रही हूँ मुझे कहाँ लगता है बाजार वहाँ नहीं चल रहे हैं, यहाँ मुड़ गए। मुझे रास्ता पता है तो मेरे कहने पे चलो ना। ठीक है बता दो अब कहाँ जाना है, कौन सा हम कहीं दूसरे देश आ गए? थोड़ा सा आगे। तो भाई ये नेचर बाजार का बोर्ड मुझे दिख गया है, यहीं से सर अंदर ले लो। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हम लोग पहुंच चुके हैं नेचर बाजार वेन्यू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिल जाएगी पार्किंग। और पार्किंग फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, आपको कहीं ऐसा नहीं कि दूर पार्क करने जाओ और फिर यहाँ पर आना है आपको। तो सर भी गाड़ी पार्क कर चुके हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे वो रहे। क्या करने लग रहे हैं, आते क्यों नहीं? सो गाइज यहाँ से होती है नेचर बाजार की एंट्री और एंट्री करते ही लाइट्स से, बिल्कुल एलईडी लाइट्स से इतना सुंदर डेकोरेट कर रखा है प्लांट्स को और ये गिफ्ट्स जो हैंग कर रखे हैं ना, जस्ट लविंग देम। गो टू द टिकट काउंटर और टिकट लेते हैं। टिकट्स आर अवेलेबल हियर, चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स इज फ्री और एंट्री टिकट है 40 रुपीज। तो गाइस ये देखिए, बिल्कुल मेन एंट्री होते ही यहाँ पे बिल्कुल एक चौक बनता है और यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल लाइटिंग्स और यहाँ से लगने शुरू हो जाते हैं स्टॉल, जो कि सबसे पहला स्टॉल यहाँ पर है कुछ इयर रिंग्स वगैरह का। भैया क्या क्या प्राइस है इनका, ये मतलब कितने से स्टार्ट है यहाँ पर? 150 से, सबसे छोटा आइटम 150 से स्टार्ट है। तो भाई क्वाइट एक्सपेंसिव। जैसे ही भाई एंट्री करी तो कुछ ऐसा ऐसा फील आया जैसे हम सूरज कुंड में आए हैं, तो कुछ इसी टाइप की फीलिंग आ रही है। बट वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शोर था, यहाँ पे शोर वगैरह बिल्कुल नहीं है। हम पौंडीचेरी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी खुशबू आई इस स्टॉल पे आते ही। तो भैया एक क्या क्या है अभी आपके पास? अगरबत्ती है, स्ट्रिंग लाइट है। अरे वाह, ओके, ये तो हम लेके गए थे लास्ट टाइम चांदनी चौक से। तो क्या प्राइस है भैया इसका? 100 रुपीज़ का है लेवेंडर्स का। तो यहाँ पे आपको डिफ्यूजर्स वगैरह मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे और यहाँ पे अगरबत्ती सब मिक्स पे 5 अलग अलग खुशबू आएंगे, सारे मिक्स वाला है। क्या प्राइस है इसका? 200 रुपये का पैकेट है। वाह, तो भाई ये सारी कैंडल्स वगैरह, जैसे कि अभी दिवाली भी आने वाली है तो आप आ सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पर कलरफुल और डिज़ाइनदार आपको कैंडल्स वगैरह मिल जाएंगी और अरोमा वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। पौंडीचेरी से निकल के वेस्ट बंगाल में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भाई बहुत ही अच्छा भाई ये यहाँ पे किसके हैं, ये मेटल क्राफ्ट, यहाँ पे सारे आइटम मेटल क्राफ्ट के मिल जाएंगे आपको, जो कि बहुत ही यूनिक लगे मुझे। ये जैसे हमारे डोर की भाई जो कुंदी होती है एक तरीके से, तो वो बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। तो आपको जैसे कि दिवाली आ रही है तो आप दिवाली के लिए भाई यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी आर्ट गैलरी में हम आपको लेके आ चुके हैं। ये देखिए अर्जुन का रथ,
वेरी नाइस। तो यहाँ के जो ऑनर हैं वो हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। तो हेलो सर। नमस्ते, मैं राजीव मैदी वेस्ट बंगाल से आया हूँ। इसको डोकरा आर्ट कहते हैं। ये ट्राइबल आर्ट है। ये हमारा देश का सबसे प्राचीन कला है। हरप्पा मंदिर में जो ब्रॉन्ज कास्टिंग डांसिंग लेडी है, 5000 ईयर ओल्डेस्ट आर्ट। प्राइस की अगर बात करें तो क्या स्टार्टिंग है प्राइस का? 650 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम तो 25,000 के भाई ये शायद ये स्टैचू है। बहुत बढ़िया सर। तो नेचर बाजार का भाई एक मैं आपको बेस्ट पार्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि हर बाजार में आपको हर स्टेट के आपको स्टॉल लगे मिल जाएंगे। तो अभी हम आपको मध्य प्रदेश से सीधा लेके आ चुके हैं जोधपुर, और जोधपुर के भाई आपको ये दिखाता हूँ भाई महाराजाओं वाली पेंटिंग्स। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया इन पेंटिंग्स ने, जो कि मैं जनरली कहीं दुकानों पे किसी शोरूम में नहीं देख पाता, जो कि मुझे यहाँ नेचर बाजार में मेरे को देखने को मिला है। तो यहाँ के ऑनर से मैं आपको मिलाता हूँ। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार। पंकज कुमार कहाँ से है सर? जोधपुर राजस्थान। भैया यहाँ के बारे में बताओ यार, पेंटिंग आपकी बहुत अमेजिंग लगी मुझे, मतलब मैंने कहीं अभी तक है ना किसी कलेक्शन में देखी नहीं है अभी तक। ये बेसिकली क्या है, मिनिएचर है, उस्ता मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। ओके। इसमें मार्बल डस्ट, वेजिटेबल डाइस, नेचुरल कलर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। डाइंग आर्ट फॉर्म है ये, लैंग्विशिंग आर्ट फॉर्म है। कोटा बूंदी जैसे चित्रशाला है, मेहरानगढ़ फोर्ट है, मतलब मैं अपनी एक इजी लैंग्वेज में बोलूं कि हर पेंटिंग कुछ ना कुछ बोल रही है, अपने आप को बयां कर रही है कुछ चीज इसमें, ऐसा कुछ। जी हाँ, ऐसा ही कुछ। ऐसा ही कुछ है। तो बहुत बढ़िया। तो प्राइस वगैरह के बता दो भैया जल्दी से, कितने? फ्रॉम 550। ओके, 76,000 वाली में दिखाओ भाई। मुझे लगा ये छोटी सी 76,000 की है, बट नहीं भाई साहब, ये देखो कितने भाई कितने की है भैया? ये 2.5x6 फीट। 2.5x6 फीट भाई, बहुत। इसमें सारे मुझे लग रहा है सारे महाराजा हैं मेरे ख्याल से जोधपुर के। ये जो नाथद्वारा थे, जिन्होंने जिनका नाथद्वारा जिन्होंने फाउंड किया है। ओके, प्रभु जी। हाँ, ये उनके वंशावली जी का सब्जेक्ट है पूरा। चलो ये मेरे थोड़े से ऊपर से चला गया, बट भाई देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये, देखिए। हाँ, इनकी खासियत में एक आपको बता दूं, ये जो टाइनी डॉट्स जो आप काम देख रहे हैं, हाँ हाँ, ये मोती काम कहा जाता है राजस्थान। ओके, एक एक डॉट्स को सेपरेट रखना पड़ता है सेम डिस्टेंस, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही प्रिसाइज। तो एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा? ये एक बड़ी पेंटिंग है, इसको बनाने में तकरीबन मिनिमम 2.5 से 3 महीने लगते हैं। 2.5 से 3 महीने, 3 कारीगर इसमें मिलके। बहुत बढ़िया यार, मतलब मैं, मेरा कहना गलत नहीं होगा कि जो मैं यहाँ कलेक्शन देख रहा हूँ मैंने कहीं नहीं देखा, चल बाज़ार में आके आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ आइए, दिवाली का टाइम है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। आप दिवाली में अपने घर को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, रॉयल बना सकते हैं ये पेंटिंग्स लगा कर। ये भैया का कार्ड है भाई, इसमें सारी डिटेल्स है, तो अगर कस्टमाइज करानी अपनी पेंटिंग्स वगैरह तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शॉप नंबर 17 आकृति क्राफ्ट्स, और यहाँ का प्रोडक्ट मुझे देख के ना बहुत ही अच्छा लगा, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको अंकल से मिलवाती हूँ। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी कुछ बताइए प्रोडक्ट्स और अपने ये सामान के बारे में। हमारा टोटल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है और मेड बाई पेपर एंड कम्बाइंड विद फैब्रिक, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। और क्या क्या अवेलेबल है? लैंप्स हैं, फाइल बॉक्स हैं, फोल्डर्स हैं, नोटबुक्स हैं, मेमो बॉक्सेस, क्लिपबोर्ड्स, टिश्यू बॉक्सेस। अच्छा, ये टिश्यू बॉक्सेस हैं। पेपर बिन, वो क्या है? पेपर बिन। अच्छा, पेपर बिन है। ओके, और यहाँ पे आपको ये बोर्ड्स भी मिल जाएंगे बने हुए, दे आर रियली नाइस। कोई भी यूज कर सकता है। और मुझे सबसे अच्छी लगी ये पेंसिल्स, दीज आर कलर पेंसिल्स, इसके अंदर हमके कलर डाले हुए हैं। नीम, अच्छा ये नीम से बनी हुई है। ये हेयर स्टिक, जूड़ा पिन, बहुत ये हैंड पेंटेड हैंडमेड पेंसिल। हाँ ये है पेंसिल, ये हैंड पेंटेड है ना। नाइस, गुड। सो गाइस आप जरूर आइए, जब भी यहाँ पे नेचर बाजार आएंगे तो शॉप नंबर 17 पे जरूर आइएगा भाई। जहाँ नेचर बाजार का नाम आ जाए और वहाँ पर उत्तराखंड पीछे रह जाए तो ये हो नहीं सकता। तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमें बहुत ही एक यूनिक चीज़ें देखने को मिली, जो कि भाई ये पेड़ की जड़ है, और जड़ों से इन्होंने देखो कितना अच्छा इनको रिसाइकल एक तरीके से करा है, और ये इसके
इन्होंने डेकोरेटिव आइटम बना दिए हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिली है जो कि मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ टेबल है और छोटी सी टेबल है, नीचे जड़ है और उसके ऊपर इन्होंने ग्लास रख दिया, तो जो कि बहुत ही अच्छा लुक निकल के आ रहा है। और ऐसे ही इस तरीके का कुछ रेक्टेंगल में है, कुछ सर्कल में है और यहाँ पर कुछ इन्होंने शोपीस टाइप बनाए हुए हैं। और ये देखिए भाई, अमेजिंग, बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छा आपने इनको रिसाइकल किया है। तो क्या नाम है आपका? सुरेश पंत। सुरेश पंत जी, कहाँ से हैं आप उत्तराखंड में? मैं उत्तराखंड में चंपावत डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से हूँ। रिवर है नेपाल से जो निकलती है, बहुत बड़ी रिवर है, काली महाकाली। ओके। उसका कलेक्शन है और इसमें सब पुरानी पुराने जड़े हैं, जैसे लकड़ी, साल, शीशम, खैर, हल्दू, उसी को मैं पहले कलेक्शन करता हूँ। स्टार्टिंग प्राइस क्या है एक छोटा आइटम? अभी इसकी जो मेरा ड्रिप रोड है उसका है 700-800 से स्टार्टिंग होता है। क्या कौन सा है 700-800 का पीस है ये? ओके, 1200 रुपए। ये भाई शो पीस है एक तरीके, तो 1000 से 1200 रुपए तक का अंकल दे देंगे आपको। Guys, this is something different I have seen here, and they are very colorful. And let me tell you, these are the puffies, huh? Yes. For sitting purpose. Gibi, बैठने के लिए? So, this is a full totem, and you can separate them, and then you can use them as poofs. Okay. Together, it becomes a totem, and it can be a decorative item in your home. तो नेचर बाज़ार में घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं कर्नाटका। कर्नाटका में आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे जूट्स एंड कॉटन के जो बैग्स बने होते हैं वो। तो भैया बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं यहाँ पे, बॉटल्स के लिए हैं, कुछ सामान के लिए है, जैसे कि ये छोटे छोटे पाउच है, जैसे हमारी मम्मियाँ जो होती हैं पुराने ज़माने वाली, वो ऐसे में ही पैसे रखना पसंद करती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है मुझे यहाँ पे, बहुत दिनों बाद देखने को मिला एक्चुअली, ऐसे आजकल मिलते नहीं है मार्केटों में। तो भैया कितने से प्राइस स्टार्ट है इनका? 4000 का लॉन्ड्री बैग है, तो जो मुझे दिख रहा है यही है शायद, ये ब्लू कलर वाला, ये वाला, हाँ ये सारे सेम है, तो ये 4500 रुपए के हैं और 100 रुपए का ये पर्स है छोटा सा। सो गाइस, आपने लैंप्स तो बहुत देखे होंगे, बट सी दिस इज रियली यूनिक एंड ब्यूटीफुल, द आउल लैंप मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इट्स रियली नाइस। क्या प्राइस है भैया इसका? ये उल्लू वाले का 50,000। So guys, ये है 50,000 रुपीस का, और ये बना किसका हुआ है भैया? किस मटेरियल का बना है? टेराकोटा। केस काफी एक्सपेंसिव है गाइस। ये क्या है भैया? ये सारे काम है, तो बजा के दिखाओ यार कैसे। तो हार्दिक ट्राई करने वाला है। भाई हार्दिक ने अपनी नई ट्यून बना दी, बहुत बढ़िया। क्या प्राइस है भैया इसका? 6000 रुपये। पर रेट का तो आइडिया है नहीं, बट 6000 रुपये भैया ने रेट बताए हैं। तो कितने से स्टार्ट है भैया यहाँ पे आपके यहाँ चीज़? यहाँ से 300 मिनिमम जो है, 200 से स्टार्ट है। और हायर प्राइस क्या है यहाँ पर? 6000। तो भाई इसी का ही 6000 है, तो 200 रुपये से स्टार्ट है, बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पर भाई जो राजा महाराजाओं के टाइम पे वो सुपारी नहीं काटती थी, वो आपको दिखती होंगी सीरियल वगैरह में काटती है, तो वो यही चीज है इसमें, यहाँ सुपारी रख के ऐसे इसको कट करते हैं। हमें थोड़ा आ नहीं रहा, बट ये वही है। किशन जी, राधा जी ने मुझे बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर, तो बहुत बढ़िया कलेक्शन है। क्या प्राइस है इनका मैम? 1,33,000 की है ये किशन जी की मूर्ति, और ये शिव जी की वर्दी 1,65,000 की नटराज की मूर्ति है, बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है। ये भी कितने सुंदर है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। 75,000 का। गाइस अभी पूरा हमने कवर कर लिया है नेचर बाजार, और उसके बाद करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, जो कि यहाँ पे फूड कोर्ट भी अवेलेबल है। हमने नेचर बाजार से जुड़ी हुई आपको चीजें दिखाई जो आप यहाँ परचेज कर सकते हो, बट अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आके आप खा सकते हो, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। आपको लिट्टी चोखा मिल जाएगा, और यहाँ पे सारे आई थिंक ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स के यहाँ पे जैसे स्टॉल है, तो गाइस
एक बात बतानी थी मुझको, मेरा एक स्कूल में फ्रेंड है, वो भी सब्सक्राइबर है हमारा, उसने एक बार मुझको सत्तू का पराठा खिलाया। वेरी नाइस। तो भाई यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है सत्तू से बना हुआ, तो यहाँ पे आई थिंक सारे स्टेट्स के फूड्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं फूड स्वादे बिहार। वाह। तो गाइज अभी हमने जैसे कि आपको लिट्टी चोखे के बारे में बताया, तो यहाँ पर हमारी एक मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश यहाँ पर मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा वैरायटी में है, और वो है बेसन के लड्डू। आपको कांटेक्ट करना पड़े कुछ ऑर्डर के लिए, तो क्या कैसे कांटेक्ट किया जाए? तो ये इनका कार्ड है, तो भाई आप इस पे ऑर्डर कर सकते हैं। लुक एट दिस डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी, मैंने पहली बार देखा, जो ये पुराने सिक्कों का बड़ा बढ़िया इस्तेमाल करा हुआ है भाई। ये देखो, पाँच पैसे से ये बने हुए, नए पैसों से, और ये देखिए ये है 50 पैसा, और ये देखो इयररिंग्स भी है। तो भाई पैसे ये 50 पैसे ये रिसाइकल कर दिया, क्योंकि अब इनकी वैल्यू तो रही नहीं है, तब क्यों ना इनको कुछ रिसाइकल करके कोई नया करा जाए। तो ये 20 पैसे में भाई कितने के, और ये क्या प्राइस है भाई इनका? 250। भाई 20 पैसे की 250 वैल्यू है, देख रहे हो? तो अच्छा रिसाइकल है भाई, अच्छा यूनिक आइडिया है। दीज आर द पेपर वेट्स, आप इसको दो दो तरीके से, मतलब इसको डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं, आप इसको एज अ पेपर वेट भी यूज कर सकते हैं, और इसको अलग हटा के यू कैन hang this on the wall also. You like this auto? But what is meaning of paper weight? Paper weight means जैसे आपके पास papers हैं, वो उड़ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर रख सकते हो। We are at the shop number C23 and they are having all the natural products for only hair? नहीं, for skin care. For skin care. Okay, so guys, you can come here and explore this shop. Nice. और मैम ये स्टीमिंग हर्ब्स है, जैसे कि कफ, कोल्ड, माइग्रेन, एलर्जी, अस्थमा, उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है स्टीमिंग हर्ब्स। ओके, सो आप इसको डायरेक्टली स्मेल कर सकते हो ना, ये आप पानी डाल दीजिए और इसे स्टीम लीजिए। ओके, साइनस हो या फिर कफ, कोल्ड, माइग्रेन, एलर्जी, उन सब में। तो ये चीज तो मैंने पहली बार देखी है कि आप इस पाउच को पानी में, बॉइलिंग वाटर में डालिए और स्टीम कीजिए डायरेक्टली, है ना? और एक पाउच 3 बार यूज कर सकते हैं। ओह दैट्स गुड, सो यू कैन यूज दिस पाउच 3 टाइम्स, दिस इज रियली नाइस। एनी पाउच आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस। मदर इन लॉ को ब्रीदिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं उनको ट्राई जरूर कराऊंगी, अगर उन्हें अच्छा लगा तो आई विल डेफिनेटली कम बैक, है ना? थैंक यू सो मच, वेलकम। सो गाइस वी आर एट द शॉप नंबर 22 एंड इज द लेडी, हाय, व्हाट्स योर नेम? रीमा। सो रीमा विल टेल अस की व्हाट द प्रोडक्ट्स दे आर हैविंग ऑन देयर शॉप। Hi everyone, my name is Reema and I'm the founder director of Bhuva Skincare. So our products are all plant-based products, the ingredients that you find in your kitchen, we have made our products from that only. So I'll show you first product of ours, ye dikhana. So this is our foot cream, you can see this is made with clove oil. Okay. And bee wax. So we promise you that, you know, that your heels will be healed within 7 to 8 days. 3 days if you have something very light cracks. Yes. So guys, if you are having very light cracks, your heels can be healed in only 3 days. And the cracks are deep, within 5 to 8 days is what, you know, we promise. Oh. All our products are result oriented product, is something that we always offer, like our hand cream. Now the winters are coming, so this is something which is gonna be part of your winter essentials. Yes, and guys, let me tell you, I have just tried this and this is amazing, really nice. And they are also having some collection of soaps and Hardik is really liking them. And he's just liking this vanilla and honey soap because it's smelling like an ice cream. Yeah. This is the only reason na I know you, baby. I'm just loving the product, so you should also come and explore this. Thank you. Thank you so much. So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं कस्टमाइज शॉप पे, और यहाँ पे आप लोग अपने नाम का या आपके कोई ब्रांड है या आपकी कोई शॉप नेम है उसको आप कस्टमाइज करा सकते हैं। This is very unique thing. So this is really nice, और आप उसको frame भी करा सकते हैं। It's really nice. ब्यूटिफुल कलर्ड काउंटर ऑफ राजस्थान, और ये देखिए गाइस, इतनी सुंदर कठपुतली है ना, रियली नाइस। और ये मेरा शिव जी भोले भंडारी, बजा के तो दिखा दे अब। गुड पांडव, नाइस। लुक एट दीज जूतीज, ये जूती चप्पल दोनों मिक्सचर है कुछ भैया, इसको क्या जूती बोलते हैं क्या? म्यूल्स।
ओके सो गाइस दीज आर द म्यूल्स और ये मतलब आपको ऐसे शॉप पे नॉर्मल शॉप पे देखने को नहीं मिलेंगे. आई एम रियली लविंग दीज. सिर्फ फ्रिल्स लगी हुई है, बहुत ही सुंदर वर्क करा हुआ है और बहुत टाइप्स के हैं. जैसे यहाँ पे ये एक शेल वर्क है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा और ये सारा हैंड वर्क है. आप देख सकते हैं दिस इज रियली नाइस, लुक एट द कलर्स दे हैव यूज्ड. और ये वाली तो मुझे सबसे अच्छी लगी. कॉस्टिंग अराउंड 1500, इनकी कॉस्ट 1500 के आसपास की है. सो गाइज नाउ वी आर एट द शॉप ऑफ C55 एंड हियर आर फ्यू पीपल एंड दे आर स्टूडेंट ऑफ श्रीराम कॉलेज एंड दे हैविंग एन अमेजिंग स्टाफ हियर. सो दे विल टेल अस समथिंग अबाउट दिस. Hi, we're from Shriram College of Commerce and this is our project Virasat. We're currently working towards reviving some of the oldest craft forms of India. We have two craft forms under our umbrella. Right. So all of us know that India has been a land of incredible craft forms. This is the Ustad from Bikaner. What you see here, this is pure 24 karat gold embossing. Ustad comes from Ustad, so you might know for now that these are the most incredible artisans we have in our country. The other craft form is the Gaurahari craft from Mahoba, Uttar Pradesh. Mahoba, Uttar Pradesh. Okay. So what you see here, this is made out of one soapstone. And you might wonder why the colors of all the product differ. These are the naturally occurring soapstone. There are no artificial colors. They are having some amazing products. You should come here and explore this. And you're working for yourself or some NGO or something? It's under Inactus SRCC. It's a non-profit organization. Okay, Virasat. So guys, they are working for Virasat. Nice meeting you. Thank you. So अभी नेचर बाजार जो फेस्टिवल ऑफ लाइट थीम अभी यहाँ पे लगी हुई है अंधेरिया मोड़ पर. हमने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया यहाँ पहुँचने के लिए. हमने तो आज ये ब्यूटिफुल प्लेस एक्सप्लोर कर लिया है एंड वी आर क्वाइट हैप्पी क्योंकि बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़रूर आइए यहाँ पे और एक्सप्लोर कीजिए. मुझे यहाँ पे ना सॉर्ट ऑफ सूरज कुंड और दिल्ली हाट का थोड़ा सा मतलब उसी के टाइप का ही है, बट द प्राइजेज आर क्वाइट रीजनेबल हेयर. वहाँ पे जैसे सूरजपुर में बहुत हाई प्राइजेज हैं, दिल्ली हाट में भी, तो यहाँ पे चाहे वो ऑर्नामेंट्स हैं, ड्रेसेस हैं, साड़ी हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, प्लांट्स, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत सामान है यहाँ पे. और बहुत बड़ा नहीं है ये एरिया, इसलिए मतलब आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है. हमें 3 घंटे हो गए और हमने बहुत आराम से ये सारा घूम लिया है यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आया. हमने हार्दिक हार्दिक एंजॉय किया, कम बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने. और फूड कोर्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप आओगे और भूखे रहोगे. यहाँ पे फूड कोर्ट है और वहाँ पे काफ़ी जगह के बिहार, हरियाणा, गुजरात, यूपी, कई जगह के आपको खाने की वैरायटीज में मिल जाएंगी. सो गाइस यू कैन कम हियर एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस. व्हाट्स योर एक्सपीरियंस आदे? मम्मा ने मुझको कुछ नहीं दिलाया, हार्दिक ने ही लिया है. खुद लिया है सब. मैंने बस दो चीजें ली, हार्दिक ने 3 चीजें ली है. तुम एक ने 2 ले ली, एक ने 3 ले ली, मैंने कुछ भी नहीं लिया यार. आप हमें लेकर आ गए ना, आप तो आ ही नहीं रहे थे. आना ही नहीं था तो वही पापा को हिलाना थोड़ा सा सही रहा ना हार्दिक. ना जबरदस्ती ले आई. तो गाइस हो चुकी है बारिश हल्की हल्की, अब चलेंगे हम लोग घर. तो गाइस आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और फ्रेश और नए कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर देखते रहिए, हमारे ब्लॉग्स को. और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और हमारे ब्लॉग्स को शेयर करिए जितना हो सकता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नए ब्लॉग में. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.